लिखेगा, आज हम निकालेंगे क्या किसी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट बोलेंगे या मैग्नेटिक डाइपोल अभी के लिए सेम होगा. व्हाई? बिकॉज मैग्नेट हैज टू पोल, दैट्स व्हाई इट इज डाइपोल. ठीक है, तो लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, अगला टॉपिक इसके पहले करवा दिए थे ना, क्या करवाए थे इसके पहले, वर्क डन वाला हो गया था सब. ठीक है, लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या किए थे, ध्यान से देखिएगा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या किए थे हम, डाइपोल के चलते, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते एक्सियल पे निकाले थे, इक्वेटोरियल पे निकाले थे. एक्सियल पे जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2kp/r³. तो 2kp/r³. और इन अ सेम वे अगर हम इक्वेटोरियल पे निकाले थे kp/r³, है ना. आप ध्यान से देखिए, जिसको ये याद है उसको मैग्नेट का भी याद हो जाएगा. कैसे? के हम बता चुके हैं, के इज नथिंग बट 1/4πε0 लिख सकते हैं के को. तो ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, 2π/4πε0 और आर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अच्छा पी हो गया, क्यू है ये. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा. तो ये होता है क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में. अब देखिए यहां पे भी सेम ही होगा, मैग्नेट पे बात कर एक्सियल का, तो देखिए यही आ जाएगा. कैसे? 2 है तो 2, इसमें कॉन्स्टेंट 1/4πε0 होता था. मैग्नेट में कॉन्स्टेंट क्या ले रहा है, μ0/4π. तो यहां पे जो कॉन्स्टेंट आ जाए μ0/4π. यहां पे क्यू लेते थे, अब यहां पे क्यू का काम कौन कर रहा है, पी काम कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ जो है. तो यहां पे पी, अरे डिस्टेंस वहां भी आर है, यहां भी आर है. तो अब देखे इतना आ जाएगा, तो हमको आज इतना प्रूफ करना है, कितना आएगा कैसे समझे. तो जो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मजबूत है उसका मैग्नेट भी मजबूत है. तो ध्यान से देखिएगा, हमको मेरे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, यह है साउथ और ये क्या है नॉर्थ. साउथ है और नॉर्थ है. तो हम नॉर्थ पे बताए थे, नॉर्थ पे जो पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या लेते थे, प्लस पी. यहां पे हमेशा लेते थे प्लस पी, आ इधर माइनस पी. मैग्नेट का जो लंबाई है, ये इनके बीच का जो दूरी है लंबाई कितना, 2a. a भी ले सकते हैं, लेकिन अगर a लेंगे तो हमको a को बांटने में क्या होगा जी, तकलीफ हो जाएगा. कैसे? लड़का सबको क्या पसंद है, लड़का सबको पसंद है, हम बोलेंगे आपको क्या पसंद है जी, a प्लस a जोड़ना आराम मजा आता है कि a बाई टू प्लस a बाई टू. तो एक लड़का बोला ई वाला आराम है सर, 2a तुरंत लिख देते हैं, है कि नहीं. तो मतलब लड़का सबको बट्टा वाला चीज पसंद नहीं आता है, गौर किए हैं. इसीलिए अगर हमको इसको 2a लिए हैं तो आराम से आप बता दीजिएगा क्या आधा आधा क्या हो जाए, a और a. लेकिन अगर a लेते तो a बाई टू थोड़ा सा लफड़ा बढ़ता, तो हम नहीं चाह रहे कि लफड़ा बढ़े, लेंदी हो जाए, इसलिए हम 2a लिए हैं. तो आप देखिएगा हमको एक एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिएगा जी पंकज, ये आपका क्या है एक्सियल पॉइंट, क्या है एक्सियल पॉइंट, यही होता है जी एक्सियल पॉइंट. मैग्नेट का जो एक्सिस के ऊपर, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो होता है, और ये जो होता है 90 डिग्री, ये पर
क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है। तो अभी इसका बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सियल पॉइंट हमको चाहिए, तो इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, दैट विल बी योर एक्सियल पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दैट विल बी योर एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे पी जो है आपका रखते हैं एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। कहीं भी ले सकते, इधर भी ले सकते थे, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये है एक्सियल पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, हम इसके मिड पॉइंट से आर दूरी पर, मिड पॉइंट से आर दूरी पर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट कितना है, क्या लेते हैं, ओ है, ओ। तो बोलेंगे क्या कि ओ से पी का दूरी कितना है आर, जहां पे हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, पी पे। ये पी कौन सा पॉइंट है, दैट विल बी योर एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है ये। तो बहुत सिंपल है, एक काम कीजिए, पहले फोटो बना लीजिए, थोड़ा सा इधर बनाइएगा, थोड़ा सा कॉपी के बीच में बनाइए, थोड़ा सा इधर जगह, अभी फोटो में एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग मतलब इधर उधर कुछ कर देंगे, इधर भी कुछ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना ही तक बढ़ाएंगे, ठीक है, इधर नहीं बढ़ाएंगे। टू ए मैग्नेट का लेंथ है, टू ए जो आपका मैग्नेट का पूरा लेंथ है, टू ए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए कि अब क्या करेंगे, हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकालना है जी, बहुत सिंपल चीज है। हम इस पोल स्ट्रेंथ के चलते, इस पी के चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है निकाल लेते हैं। निकल गया, निकल गया जी मेरा, मान लेते हैं बी वन निकल गया होगा। इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी टू निकल गया होगा, बी वन बी टू। हम पूछते टोटल कितना हुआ गा? अरे जोर ना दीजिए जी, काहे बैठे हैं। तो चुपचाप से क्या करना है, इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जोड़ देंगे, हो गया काम, यही करेंगे, एकदम यही करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहां पे पोल स्ट्रेंथ पी था, यहां से आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पे, अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट पी ए पे एक पॉइंट है ए, पी लिखने वाले थे लेकिन पी पी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ए लिख दे, इस ए पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो हम बता चुके हैं बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई पी बाई आर स्क्वायर, यही होता था मैग्नेटिक फील्ड, बताया भी थे फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला आपको दिए थे, ये फॉर्मूला दिए थे। आर आपको यहां पे हमेशा दिया हुआ रहेगा, आर का वैल्यू मतलब पी से ए पे निकालना है तो ये डिस्टेंस दिया रहेगा, तभी आप निकाल पाइएगा, नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे निकाल पाइएगा, नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, बी बराबर म्यू नॉट बट्टा फोर पाई पी बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके चलते इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके चलते इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक लड़का क्या बोला, सर डिस्टेंस वो चाहिए ना, डिस्टेंस कैसे निकाल ले। तो जो लड़का इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है हमसे,
वो जानता है कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा जी r माइनस a। मतलब क्या, अगर ये 2a है तो हम इसको कह सकते हैं a और इसको क्या कह सकते हैं a। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए मतलब np चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस a। अरे r इतना है, a घटा देंगे तो बचेगा तो इतना, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस a, r माइनस a। तो np निकल गया आपका r माइनस a। sp निकालेंगे, sp तो r में इतना जोड़ देंगे तो r प्लस a, r प्लस a हो गया। तो ठीक है करेंगे, पहले लिखेगा इसके बारे में कहानी, अभी फोटो बना लिए तो कहानी लिखेगा। हो गया, कंसीडर अ मैग्नेट एन एस, कंसीडर अ मैग्नेट एन एस, कंसीडर अ मैग्नेट क्या है एन एस हैविंग लेंथ इज इक्वल टू टू ए, टू ए लिखेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोल स्ट्रेंथ प्लस पी एंड माइनस पी रिस्पेक्टिवली। पूरा लग रहा है सही यूज पकड़ लिया जी, रिस्पेक्टिवली का एकदम सही यूज पकड़ लिया है, प्लस बी माइनस बी इनका आंसर है रिस्पेक्टिवली, लास्ट में ही छोड़ते नहीं है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनका सही यूज पकड़ लिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार वाला लेना है। ठीक है, तो प्लस बी माइनस बी रिस्पेक्टिवली हो गया जी। अब क्या बोलेंगे, लेट उसी में लेट पी बी द, लेट पी बी द एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, सेंटर ओ वे आर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है इज टू बी फाउंड, वे आर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड। जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पाया जाना है, ठीक है क्या जी, बात नहीं, यहां पे हमको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अभी कितना बोले हैं, एनपी बराबर आर माइनस ए, एसपी बराबर आर प्लस ए हो जाएगा। तो आप एन पी इज इक्वल टू आर माइनस ए और एस पी बराबर आर प्लस ए हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एक लाइन नीचे में छोड़ के लिखे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर डैट, फ्रॉम फिगर
It is clear that from figure, it is clear that NP बराबर नीचे में लिख लीजिएगा NP बराबर R माइनस A और SP बराबर R प्लस A. Clear that कॉमा नीचे में लिखा NP इक्वल टू R माइनस A और उसके नीचे लिख लीजिए क्या SP बराबर R प्लस A. आप ध्यान से देख लीजिए क्या करना है हमको. इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, ठीक है, काम हो गया. इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या मिल रहा है दोनों को नहीं समझे जी. आपको मान लीजिए दो पेन ई दे दिए और दो पेन ऊ दे दिए. आपके पास कुल कितना पेन, क्या किए थे चार के लिए जोड़े थे, तो हम भी वही काम कर रहे हैं. ई दिया ई वन आई दिया ई टू, तो बोलिए कितना ई वन प्लस ई टू. कब, जब सेम डायरेक्शन में है. अगर गलती से ई वन इधर चला गया आई टू अपोजिट में चला गया तो फिर माइनस कर देते हैं. तो आइए देखते हैं कहीं जा तो नहीं रहा है ना, चला जाएगा क्या, तो देखते हैं. नॉर्थ के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, तो बाहर से ऐसे निकलेगा, नॉर्थ से ऐसे निकला तो क्या हुआ है, बाहर की ओर निकला है, ठीक है. कौन है जी, इंद्रदेव. चलिए ध्यान से देखेगा नॉर्थ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो हम निकाल दिए. देखेगा नॉर्थ से कहां निकला, बाहर की ओर. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है ये बाहर की ओर इधर की ओर निकला है, इसको कहेंगे किसके चलते, इन के चलते. आप आइए साउथ का बात कर ले, तो देखिएगा एनए निकलेगा, एनए निकलेगा, तनी दिमाग लगाइए जी, एनए निकलेगा कि ओनए निकलेगा. ध्यान से देखिए हम क्या जानते, अंदर की ओर घुसता है कि नहीं घुसता है, तो जब भी आएगा तो इसके अंदर आएगा, अंदर आएगा नहीं, हम इस लाइन के लिए बात कर रहे हैं, हमको उस लाइन के लिए नहीं चाहिए, हमको इस लाइन के लिए. तो क्या जाएगा, अंदर जाएगा. तो बोलिए इस पॉइंट पे साउथ का जो अंदर की ओर जाएगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा बीएस, बीएस. अब आप लोग खुश हो गए कि जोड़ देंगे घटा देंगे, ठीक है, कि क्या कर देंगे, पूरा एकदम मस्ती में थे, ख्वाब में डूबे हुए थे, इसीलिए इनके लिए पूछ दिए, ठीक है. क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, डेट मींस क्या करना है, घटाना है, ठीक है. तो पहले फोटो में बी एन बी एस इधर बना लीजिए, बी एन इधर की ओर बी एस इधर की ओर होगा, उसी में एडिट मारिए. लिख रहे हैं ना जी, क्या ऐसी पेन हिला रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं देख रहे हैं का सर, हाँ चलिए ठीक है. चलिए इसी के साथ अब हमको पता चल गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के चलते कितना होगा वो निकालेंगे, और साउथ के चलते कितना होगा निकालेंगे, काम हो गया. नॉर्थ के चलते क्या है, साउथ के चलते क्या है, निकाल ले. तो देखिएगा लिखेंगे अगर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के चलते क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बट्टा में फोर पाई, ये क्या है पोलिस्टेन दिशा क्या है, पी बट्टा में आर स्क्वायर. बहुत बढ़िया जी, डिस्टेंस ही बोल रहे हैं कि वाला आर दिया हुआ है, तब ना आर स्क्वायर लीजिएगा. डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, आर माइनस ए, तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा आर के जगह आर माइनस ए हो जाएगा, तो यहां पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर. वाई, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज आर माइनस ए नॉट आर, है कि नहीं है, तो ये आर माइनस ए है, आर नहीं है, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर. अब इन अ सेम वे अगर हम इसके चलते निकालते हैं, बी एस बराबर म्यू नॉट फोर पाई पी बट्टा में, अब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी पूरा खुश हो गए, काहे काहे कि बीएन में मिल गया, बीएस में मिल गया, अब नेट कर निकालना है तो क्या कर देंगे, जाके घरे घटा देंगे, हाँ तो ये बोलेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या कर देंगे घटा देंगे, वाई बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। तो लिखिएगा एक लाइन छोड़ के नीचे में, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाँ एट एक्सियल पॉइंट पी किसके चलते, नॉर्थ पोल के चलते बात करें, ड्यू टू नॉर्थ पोल इज कितना हो जाएगा नॉर्थ पोल के चलते मैग्नेटिक फील्ड, अरे निकाल के ना बैठे हुए हैं पहले से, तो ये आ जाएगा आपका, ये उतार लीजिए bn का वैल्यू निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है नॉर्थ के चलते bn बराबर, हो गया। अगला देखिएगा नीचे में लिखिएगा, अब तो सब कोई जानता है क्या कर लेंगे जी, साउथ के चलते द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां एट एक्सियल पॉइंट पी वहां पे ना है, एट एक्सियल पॉइंट पी किसके चलते, ड्यू टू साउथ पोल इज क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा बी एस बराबर म्यू नॉट पी 4 pi r + a। तो बहुत लड़का सोच रहा होगा क्या कि सर माइनस लगा हुआ है तो हम यहां माइनस क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, हम बोले क्या ये माइनस जो है आपका जस्ट क्या दिखा है, डायरेक्शन इधर हो गया है, इट ऑलवेज शो द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द bn है कि नहीं, तभी ना इधर गया है, समझ गए। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, निकाल लिए नॉर्थ के चलते या किसके चलते साउथ के चलते मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, आपको एक ओपन दिए और दो ओपन दिए, क्या कीजिएगा, जीरो एक ओपन दिए आ एक और पेन दिए तो तीन गो पेन हो गया, दो गो ना जी, जोड़ दिए दो गो के लिए, लेकिन यहां पे भी जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा घटाएंगे, का है अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिखिएगा उसके नीचे द नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे एट एक्सियल पॉइंट पी क्या हो जाएगा इज भी बीपी बराबर मैग्नेटिक फील्ड एट पी बराबर क्या हो जाएगा। अब बहुत लड़का सब खुश हो गया था क्या कि सर बोले घटा देना है, काहे जी तो अपोजिट में, अब एक लड़का जो दिमाग वाला होगा वो क्या बोलेगा, सर घटाने के लिए तो bn माइनस bs भी घटा सकते हैं या bs माइनस bn भी घटा सकते हैं, दोनों घटा सकते हैं, तो कौन सा यूज करें, bn माइनस bs क्यों यूज करेंगे, मेरा मंत्र हाथ से नहीं चल रहा है, ज्यादा माइनस कम, तो विच मैग्नेटिक फील्ड इज मोर bn, वाई यहां पे इस नॉर्थ के चलते ये पॉइंट पी इसके नजदीक है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि साउथ पोल के चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा, क्यों, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो bn ज्यादा है bs कम, तो ज्यादा माइनस कम, समझे नहीं समझे, क्योंकि इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा इसके चलते कम होगा, तो लिखेंगे क्या bn माइनस bs, bn का जो है म्यू नॉट p बटा में 4 pi
आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस म्यू नॉट पी बटा में फोर पाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मेरा काम हुआ फिजिक्स का खत्म हो गया जी, स्टार्ट मैथ का काम, ठीक है, लेंदी जाएगा वो तो हम क्या कर लें, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट पी इसमें भी है, इसमें अरे फोर पाई भी है, फोर पाई भी है, दैट मीन्स टेक कॉमन म्यू नॉट पी बटा में फोर पाई एक बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जो बीपी, अब बच्चा नहीं है जी, सब कर लेते घरे बैठा बैठा, क्या म्यू नॉट पी बट्टा में क्या फोर पाई, जानते हैं ना ये ने चल जाएगा, ये ने चल जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा में आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो मैथ है जी। अब जब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, कौन सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर। हाँ तो देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, ये सब कट जाएगा, आर से आर ए से ए बचा टू टू फोर, तो इतना के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, फोर ए आर। तो बीपी बराबर म्यू नॉट पी बटा में फोर पाई क्या हो जाएगा, फोर ए आर और बटा में आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। उतार लीजिए जी, उतार लिए हैं, उतारिए थोड़ा, क्या जी मोहित, हाँ आए हैं ना, बना लिए क्या अपने से, हो गया। ध्यान से देखिएगा, बीपी बराबर म्यू नॉट पी बट्टा में क्या है, फोर पाई। हम इसको जाने का लिखेंगे, वो जादू दिखाते हैं, देखिए कैसे, टू ए गुना टू, इस फोर ए को क्या लिख दिए, टू ए गुना टू, फोर ए नहीं हो जाएगा आपकी, फाइव ए हो जाएगा, होगा फोर ए इंटू आर पहले से है, और नीचे में क्या है आपका, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, जानते कौन सा, पीछे पलट के देखिएगा ना तो देखिएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इतना के जगह हम क्या लिख दिए, इतना लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, बीपी बराबर म्यू नॉट, ध्यान से देख लीजिए, हम बताए थे कल क्या एम बराबर क्या होता है, पी ए, पी ए एम बराबर पी ए, पी क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, आई क्या होता है, मैग्नेट के बीच का दूरी है,
लेकिन यहां पे दूरी क्या है, 2a है। पहले हम a लिया करते थे तो pa लिख दिए मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन अभी 2a ना लिए हैं तो क्या हो जाएगा, p गुना 2a, तो 2pa हो जाएगा। p गुना 2a के जगह हम लिख सकते हैं m, तो इसके जगह लिख दिए m गुना 2r 4 पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख देंगे इधर में m बराबर p गुना 2a को लिख दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा कि BP बराबर जो कांस्टेंट होता है उसको कोशिश करते हैं क्या पहले लिख लिया जाए, तो 2 म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई एम आर बट्टा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बीपी निकल गया। अब आपको ये भी याद है जी इसके बाद क्या करते हैं, ने को नेग्लेक्ट करते वाई जब बहुत छोटा होता है, डाइपोल छोटा हो जाता है तब जाते हैं। तो बता देंगे छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत लड़का का टाइम आंख दिख रहा है कहां घड़ी पे कहां कितना बज रहा है, इसीलिए ना गाड़ियां स्लो करके रखे हुए हैं, 10 बजे ला बैच में सब देखते रहता है कब हो रहा है टाइम, इसीलिए कर दिए स्लो, देखिए जितना देखना है। पैसों बच गया, 10 रुपया बच गया बैटरियों का, काम हो गया। अरे इंजीनियर सबका हालत का है मालूम नहीं है का, रोड पे घूम रहा है ऐसे, नाम का क्या लिखता है, वी मूव द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया चलाते हैं, आप क्या हो रहा है रोड पे घूम रहा है सब। तो देखिएगा अब वेन डाइपोल इज शॉर्ट, वेन मैग्नेटिक मैग्नेट बोलिए या मैग्नेटिक डाइपोल डजेंट मैटर, व्हाई, बिकॉज इट हैज टू पोल, टू पोल मीन्स डाइपोल। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल क्या है शॉर्ट होता है तो उसके नीचे लिखेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या लेते हैं जी, वेन डाइपोल, वेन मैग्नेटिक डाइपोल इज शॉर्ट, लिख लीजिएगा वेन मैग्नेटिक डाइपोल इज शॉर्ट, या फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, When a magnetic dipole is short, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, छोटा बना दीजिए, ये देखिए मैग्नेट हो गया, यहां से अब P यहां पे दूरी है, ये है आपका 2A, बोलिए मैग्नेट का जो डिस्टेंस है जो लेंथ है इसका अब कितना छोटा हो गया, 2A, 2A बहुत छोटा ना हो गया, किसके तुलना में, R के तुलना में, R अगर पहाड़ है तो A क्या है, चीटी है, धूल है, मतलब R के तुलना में A कुछ नहीं है जी, A इज जीरो, नेग्लेक्ट कर लेंगे इसको, अगर R देखते नहीं रावण में तुरंत को बड़ा हो जाता है, आए को क्या हुआ, अभी इतना ही छोटा है, ठीक है पूरा डरा लिया इसको, ठीक है। तो देखेगा क्या हुआ है कि ये जो है बहुत बड़ा है, मीन्स क्या कि ये बहुत ज्यादा है, इसके सामने ये क्या है बहुत छोटा है, इसको वी विल टेक इट एज अ जीरो है कि नहीं, तो इसको हम जीरो ले लेंगे, तो ए के जगह जीरो। तो ध्यान से देखिएगा, लिख लिए वेन डाइपोल इज शॉर्ट क्या हो जाएगा, आर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, ए से बड़ा हो जाएगा या ए बड़ा हो जाएगा आर से, ए तो ऑलरेडी छोटा हो गया, ठीक है। तो अब आर बहुत बहुत बड़ा है, दैट मींस ए को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लेक्ट कर ले, ठीक है। तो BP बराबर 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई एम आर, एक लड़का क्या बोलेगा, सुबह से बोल रहा है सर परेशान कर दिया, का सर 2-2 काट दीजिए ना, हम लड़का है कांस्टेंट को परेशान किए हुए हैं, ये कांस्टेंट ना है जी, अपना एक इमेज ना लेके बैठा हुआ है, इसका वैल्यू हो जाता है 10 के पावर माइनस 7, काहे लग काटना चाह रहे हैं, ठीक है।
कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दीजिए, इसको काटिए मत, ठीक है। 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई एम आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख दिए, टेंशन हो जाएगा जी आपको, ए जीरो हो गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सब जानता है तो बीपी बराबर 2 म्यू नॉट एम आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर के पावर 4, आर से एक आर कट जाए, एक आर चार आर है यहां पे, एक काट दिया, बचेगा के गो, तीन गो, तो बीपी बराबर 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर क्यूब, यही ना आना चाहिए था, 2 है के है, अब पी बदल गया किस में, एम में, अब बटा में आर क्यूब, 2 के पी बटा आर क्यूब किस में बदल गया, 2 के एम बटा आर क्यूब में बदल गया। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। हाँ तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट।